राष्ट्रीय राजमार्ग करनाल तरावड़ी के समीप पंजाबी जूतियों से भरे एक वाहन में अचानक आग लग गई है। इस आगजनी में पूरी गाड़ी व पंजाबी जूतियां जलकर राख हो गई। वाहन में आग लगने के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी देर तक जाम की स्थिति भी रही। इस बारे में वाहन सवार धीरज ने बताया कि वह पटियाला से पंजाबी जूतियां लेकर सोनीपत की तरफ जा रहा था, लेकिन नीलोखेड़ी के पास उसके वाहन की ब्रेक अचानक फेल हो गई। वाहन को तरावड़ी के पास धीमा किया तो धुआं निकलने लगा। जैसे उसने नीचे उतरकर देखा तो वाहन के अगले हिस्से में आग लग चुकी थी। उसने तुरंत गाड़ी में बैठे अपने साथियों को नीचे उतारा। देखते ही देखते वाहन पूरी तरह से जल गया। वहीं आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक वाहन पूरी तरह से जल चुका था। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान की हानि नहीं हुई है। सर, हम माल लेके आ रहे थे पटियाला से सोनीपत जा रहे थे, और नीलोखेड़ी के पीछे ये 3 किलोमीटर पीछे ही हमारी ब्रेक फेल हो गई थी गाड़ी की। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते हम यहाँ तक गाड़ी साइड में लगाई, और हैंड ब्रेक के हीट की वजह से हुआ है या किस वजह से धुआं बोनट में से निकलता हुआ दिखा। मैंने अपने जो साथ काम करने वाले हैं और एक मेरा पार्टनर है उनको बाहर निकाल दिया और खुद भी बाहर आ गया गाड़ी से। 3 थैले तो हम निकालने में कामयाब हो गए। फिर आग की लपटें इतनी ज़्यादा उठने लग गई तो उस वजह से क्या कहते हैं हम दूर हो गए गाड़ी से। कुछ माल और पर्स वगैरह गला है या आरसी वगैरह हो, जान किसी को चोट नहीं लगी। फायर ब्रिगेड की टाइम पे पहुंच गई थी गाड़ी? फायर ब्रिगेड की टाइम पे आ गई थी, पहले मिला नहीं नंबर लेकिन वो पहुंच गई सही टाइम पे। क्या नाम है अपना? धीरज नाम है मेरा, सोनीपत से। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक